हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बिल्कुल शॉकिंग न्यूज़ है और ताज़ा अपडेट लेकर आई हूँ कि जो पहले 5 प्रतिभागियों के नाम बताए गए थे नॉमिनेशन के लिए, उसमें से कुछ एक इधर उधर, एक दो मैंने बोला था इधर उधर होंगे, तो वैसा ही हुआ है गाइस। तो बिग बॉस ने अपनी चाल एकदम चल दी है, जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ है। तो क्या हुआ है मैं आपको आगे बताती हूँ, आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो गाइस हुआ यूँ है कि रणवीर शौरी जो हेड ऑफ़ द हाउस बने थे, उन्होंने इस जो हेड बने हैं उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाया। उन्होंने जो अपना राइवल ग्रुप था उसमें से चुन चुन के, जो भी लग रहा था उन्हें कि ये ज़्यादा वोट पाएंगे या है ये मतलब मजबूत विनर होने के लिए हैं तैयार, उनके नाम उन्होंने बिल्कुल हटा दिए हैं। बिग बॉस ने इनको कन्फेशन रूम में बुलाया, पूछा कि आप किस किस को हटाना चाहते हैं, मुझे हम वहाँ पर 3 नाम बता सकते हैं, और क्या आप अरमान को सेव करना चाहते हैं या फिर उनको भी नॉमिनेट करना चाहते हैं। तो इन्होंने अपनी दोस्ती निभाई है किसके साथ में, अरमान के साथ में, और उनको बिल्कुल सेव कर लिया। जबकि बिग बॉस ने इनको बिल्कुल नॉमिनेट कर रखा था पूरे हफ्ते के, मतलब पूरे सीज़न में, कि आप पूरे सीज़न में नॉमिनेट रहेंगे। और इन्होंने नाम लिए हैं, जो 3 नाम हैं जिनको ये लेकर जाना चाहते हैं नॉमिनेशन में, वो है शिवानी, विशाल और कटारिया। जी हाँ, यही वह नाम है। हम लोगों को लग ही रहा था कि ये तीनों का, मतलब 4 है वैसे सना मकबूल पर, सना मकबूल का नाम उन्होंने क्यों लिया क्यों नहीं लिया ये तो वही जाने, या फिर भैया बिग बॉस की कोई चाल है। मेकर्स ये चाहते हों कि भाई आखिरी तक सना जाए, सना मकबूल आखिरी तक जाए और रणबीर आखिरी तक जाए, क्योंकि ये TV के सितारे हैं, पर्दे हैं, काम करते हैं, ऐसा कुछ हो, पता नहीं ऐसा क्या है मेकर्स का या बिग बॉस का ऐसा कुछ गणित हो। तो आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। बाकी हम, मैंने आपको ये ताज़ा अपडेट देने के लिए ये वीडियो बनाया है कि जिसके पहले बनाया था उसमें सिर्फ हमने लाइव फीड के देखकर बताया था कि ये 5 प्रतिभागी होंगे जो कि नॉमिनेशन में जाएंगे, पर वो उसमें से ऐसे नाम नहीं, 1-2 नाम निकल गए हैं। तो यहाँ पर 3 नाम लिए जा रहे हैं। अब अगर आप शिवानी को बचाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें ताकि शिवानी लास्ट तक जा सके, उसको एलिमिनेशन से बचा सके। और अब गाइस, पहले जो कमज़ोर बंदे थे उन्हें बिग बॉस ने पहले ही घर से हटा दिया, अब वो चाह रही है कि कोई एकाधिक स्ट्रॉन्ग प्रतिभागी है जो इसको घर से बाहर निकाले। तो जहाँ तक कि विशाल का नाम ऐसा लिया जा रहा है, सामने आ रहा है कि बिग बॉस विशाल को बाहर निकालने की तैयारी में है। बाकी क्या हो सकता है, कब बिग बॉस के दिमाग में क्या चल रहा है, मेकर्स क्या चाहते हैं, ये तो गेम जब स्टार्ट होगा, जब लाइव चलेगा, तभी ही हम लोगों को पता चल पाएगा। तो आपकी क्या राय और आप क्या चाहते हैं कि बिग बॉस का विनर कौन बने, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। और अपने जो अभी आपको अच्छा लगता है, आप चाहते हैं कि वो जीते, उसे ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। तो फिर मिलते हैं ऐसी नई ताज़ा अपडेट के साथ में। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।